मैं कह रहा हूं सर, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या ये क्या अकाउंटेबिलिटी है? सर, एक 30 अरब रुपए में, 30 अरब रुपए में शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर की BRT बनाई थी। जी सर, खान साहब ने फरमाया कि इसमें बड़ी चोरी हुई है, जंगला बस कहते थे और बोलते थे कि नवाज शरीफ की लोहे की मिल है, इसलिए इसने जंगला लगा दिया, जबकि मिल तो पता नहीं कितने अरसे से बंद है, खत्म हो चुकी है। तो पता नहीं क्या क्या बात करी। असद उमर साहब ये फरमाते थे कि 8 अरब रुपए के अंदर ये, बन सकती थी। और नैब ने मुल्तान की जो है वो भी 27 अरब मिली, उसकी नैब ने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करी, अगर जी आपको याद सर, है मुल्तान की बिल्कुल मुझे BRT। याद है सर, अब 130 अरब रुपए की पिशावर की BRT लगी। पिशावर की बनी है, बिल्कुल। अब अगर शहबाज शरीफ ने 30 अरब की नैब की BRT में चोरी करी थी, तो 130 अरब की BRT में इमरान खान ने क्या किया है? ठीक है, बिल्कुल सही लेकिन कह रहे नैब ने हैं। इस बात को नहीं देखा, क्योंकि वो जो भी वजह से इन्होंने जो है वो रोका हुआ है, जो भी करा हुआ है। ठीक है, ठीक है इसी सर, तरह नैब ने ये 400 अरब रुपए का डाका पड़ा है चीनी का, बिल्कुल है और सर, गारंटीड ये बात है कि ये पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी उस वक्त दी जब नहीं देनी चाहिए थी, जब कोई जरूरत नहीं थी। ये FIA की रिपोर्ट लिख चुकी है और नैब ने उसका नोटिस नहीं लिया। सही बड़ी है। हैरत की बात। आटे की, गेहूं की पंजाब हुकूमत ने स्मगल करवा दिया, बुजदार साहब इन्वॉल्व हैं, इनके बहनोई इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ स्मगल इंडिया में करा दिया इन्होंने। 8 लाख टन जो है वो फीड मिल्स को दे दिया, कैटल फार्मिंग को दे दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। सही है, बिल्कुल मालम जब्बा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फरमाते हैं कि यार ये आधे पेड़ क्या बनीगाला में लगे हुए हैं, क्योंकि बिलियन ट्री सुनामी में बिलियन में से आधे तो वो गायब है और करोड़ों अरबों रुपए की चोरी हुई है। ये चीफ जस्टिस फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सही है। नैब को अभी तक ये उधर तक नहीं पहुंचे कि इसकी चोरी के इन्वेस्टिगेशन करें। तो गुजारिश ये है कि अगर ये सब चीजें नैब को नजर नहीं आती, और नारोवाल में एहसन इकबाल के खिलाफ मैं ये समझता था कि सबसे खराब केस नैब का, जो बुरा तरीन एब्सर्ड तरीन केस है, वो मेरे और अब्बासी साहब के खिलाफ है, लेकिन एहसन भाई ने वो रिकॉर्ड भी हमारा तोड़ दिया। एहसन भाई ठीक का तो निराला ही केस था, कि जो गिलानी साहब के जमाने में एक प्रोजेक्ट पास हुआ, इसमें ये कोई नहीं कह रहे कि 1 रुपए की खुदा ना खास्ता कोई गलती हुई है। उन्होंने कहा आपने नारोवाल में क्यों लगाया, हिंदुस्तान के बॉर्डर के पास सही है, आपने, मतलब ये कि ये तो किसी बड़े शहर में लगना चाहिए। भाई वो उधर का MNA, उसने वहां का प्रोजेक्ट रिकमेंड कर दिया, एक बिल्कुल मिसाल है। तो और स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने में कोई बुरी बात तो नहीं है, कहीं कहीं आईन में मना लिखा है कि नारोवाल में नहीं लग सकता? तो वो केस जब आप बना सकते हैं, नैब के पास उस चीज का वक्त है कि आप नारोवाल में एक चीज लगाने के लिए बना सकते हैं, ठीक है लेकिन सर, आपके पास हेलीकॉप्टर केस, मलम जब्बा केस, चीनी की चोरी, आटे की चोरी, अद्वियात के अंदर आप देखें क्या हुआ है, डेफिनेटली पांच पांच सौ प्राइसेस बहुत फीसद बढ़ हो गई गए है। हैं। आपके पास ये वक्त नहीं है, तो फिर लोग तो ये कहेंगे ना कि नैब जो है वो एक तरफा होके काम कर रही है। अच्छा सर, एक कर्जा जात के ऊपर भी एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उसमें भी कहा गया कि जी बड़े कर्जे गलत लिए गए हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गायब हो गई, उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है सर, ये मेरे ख्याल में एट जॉब ट्रेनिंग जो है ना वो हो रही है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजों पे इन्होंने हाथ डाला है जिन पे मेरे ख्याल में हाथ डालने की जरूरत नहीं थी, कुछ और काम करने की जरूरत थी, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं, एक्सपीरियंस की कमी है या क्या है सर, आपका क्या जो है इसके ऊपर है? यार मेरे ख्याल से तो नीयत इनकी बुरी है, नीयत में फतूर है। ये जो डेट की पेमेंट थी, वो रात को आपको याद है वो नारे लगाए थे, इन सारा टप्पर चोर है, अलीमा बाजी वगैरह के ऊपर जी, खान साहब गुस्सा कर गए। अब वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो दूसरों को गालियां दे सकते हैं, लेकिन जब उनके सामने आईना दिखाओ तो उनको नहीं बर्दाश्त होता। तो खान साहब ने गुस्से में आके रात को 12 साढ़े 12 बजे बड़ा तैश में आके, आपको पता है वो तकरीर करी थी, 12 साढ़े 12 बजे वजीर आजम की तकरीर करने का क्या जरूरत है, मतलब उसी दिन शाम को कर लेते, लेकिन वो गुस्से में थे। और उन्होंने उसी वक्त डेट कमीशन बनाया कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। डेट कमीशन बनाया, डेट कमीशन की रिपोर्ट तो कहीं आपके पास भी शायद आ गई होगी, अनुपम जी रिपोर्ट तो व्हाट्सएप हो गई थी कुछ अर्से तक। जी सर, अब सच्ची बात यह है कि डेट कमीशन ने ये चलते चलते ये बात कह दी है कि जो भी कर्ज हमने आखिरी साल में लिया था, उससे पहले उनके PTI ने पहले साल में उससे डबल लिया है, डेफिनेटली ये तो डेट कमीशन ने कह दिए। अब किस मुंह से लेके आएंगे?
अब अगर मैं तो उस वक्त भी गुजारिश कर रहा था कि देखें, अगर आपको सचमुच ये समझना है कि हुकूमत कर्जा क्यों ले रही है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप जो है वो 2006 से शुरू कर दें, 2007 से शुरू कर दें, मुशर्रफ साहब का आखिरी साल भी डाल लें और पीटीआई का उस वक्त पहला साल डाल लें, पीटीआई के भी 2 साल आपको मिल गए पूरे, 2 साल पूरे, तो 2 साल पीटीआई के डाल लें, मुशर्रफ साहब के आखिरी 2 साल डाल लें और हमारा और पीपल्स पार्टी का पूरा पूरा 5-5 साल का वफा डाल लें और फिर आप देख लें कि यार ये क्यों हो रहा है, तो सचमुच समझ आएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कुछ समझ आएगी लोगों को, आम लोगों को, मुझको, आपको भी समझ आएगी कि ये हो क्या रहा है, कि क्यों हुकूमत पाकिस्तान जो है ये एक दलदल में धस रही है और क्यों खास तौर पर आजकल जो है जो मेरा 72% डेट पर लाइबिलिटी का रेशियो था वो 85-90 पे कैसे पहुंच गया है 2 साल से, इतना तेजी से कैसे पहुंच गया है। जो असल जो नंबर होता है मेहताब साहब आप बेहतर समझते हैं कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू में डेट नहीं होती, उसकी डेट टू जीडीपी होती है, रेशियो बहुत बुरा होता है। बिल्कुल, तो वो अबिलिटी हमारी जो है वो पे करने की वो बहुत वो हो गई है, टैक्स टू जीडीपी भी है, डेट टू टैक्स भी हो गया, वो भी बहुत कम हो गया है, तो टैक्स बेस भी कम हो गया, तो ये मसाइल हमारे साथ बहुत हो चुके हैं और इसकी वजह से बुरा होता रहेगा। तो मैं तो ये इनकरेज करता हूँ कि इस डेट कमीशन के मैंडेट को 4 साल से बढ़ा दें, 2 साल इधर भी बढ़ा दें, 2 साल उधर भी बढ़ा दें। लेकिन सर आप बुनियाद आप बोले, सॉरी मैं इतना कहता हूँ ताकि आपको तीनों फ्लेवर मिल जाए, आपको जमहूरियत के फ्लेवर में, जमहूरियत में भी क्या हुआ, आपको ये भी पता चल जाए डिक्टेटरशिप में भी क्या हुआ, और आपको ये पता चल जाए कि ये हाइब्रिड डिक्टेटरशिप में क्या हुआ।